एक्सपोर्ट प्रोसीजर मतलब मुझे अपना सामान मुझे सेल्स करनी है बाहर के देश में, क्या मैं अपने आप ऐसे ही कर दूं, मैं ऐसे ही भेज दूं? जब तक मैं किसी से इंक्वायरी जनरेट नहीं करे होगी तो मैं उसे अपना सामान कैसे बेचूंगी? द फर्स्ट स्टेप इन द एक्सपोर्ट प्रोसीजर इज फर्स्ट इफ आई एम एन इंडियन, मैं इंडियन हूं एंड आई एम मैन्युफैक्चरिंग मार्कर, राइट, मेरे हाथ में मार्कर है तो मार्कर मैं मार्कर एक्सपोर्ट करती हूँ, बट मुझे कोई पार्टी भी तो मिलनी चाहिए ना जो इसको खरीदे, और उस वो पार्टी कौन है? इंपोर्टर, क्योंकि अक्षत इज माय इंपोर्टर, अक्षत इज सिटिंग इन अमेरिका, वो अमेरिका में बैठा है और उसे मार्कर चाहिए, उसे 10 लाख मार्कर चाहिए। तो उसने सर्च करा और उसने 4-5 बंदों को इंडिया में इंक्वायरी सेंड की, और उस इंक्वायरी में उसने सब कुछ पूछ लिया कि क्या रेट लगेगा, क्या क्वालिटी होगी, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होगी, सब कुछ। एंड आई रिसीव दैट इंक्वायरी, मुझे वो इंक्वायरी दिख गई, देन आई एम गोइंग टू सेंड हिम अ कोटेशन, आई विल सेंड हिम अ कोटेशन, और उस कोटेशन को क्या कहते हैं? परफॉर्मेंस वॉइस, करेक्ट, परफॉर्मा इनवॉइस Performa invoice is kind of a quotation which have all the information, all the information, sari terms and condition, sari के इतने price का है, अब मैं तेरे को बताऊंगी इतने price का है, इतना size होगा, मेरी ये policy रहेगी, मैं इतने time में पहुंचा दूंगी, इतने time में बनाऊंगी, इसका weight आपका इतना रहेगा, container इतने दिन में पहुंचेगा, I am going to Send him a quotation telling all the information. अगर उसे समझ आ गया, then वो मुझे क्या करेगा? He will going to place an order. वो order place करेगा कि ठीक है, मैं satisfied हूँ तुम्हारी इन इन सब चीजों से, so my order is this. और जो order place कर रहा है, importer will going to place order to the exporter. और उस document को क्या कहते हैं? Intent. Intent is the order of importer to exporter. उसने order place कर दिया. Performa invoice में अगर कोई information रहे नहीं, तो उसको वापस भेजनी पड़ेगी. नहीं, it's about call information होता है और emails के through होता है, वो पूछ लेते हैं, cross questioning होती है. ये बाबा जमाने आदम के थोड़ा है, पूछेंगे. अब समझ आया, उसने मुझे इंक्वायरी दी, मैंने उसे कोटेशन दे दी, उसे समझ आई, उसने मुझे ऑर्डर प्लेस करा, ऑर्डर प्लेस करते ही मैं प्रोडक्शन स्टार्ट कर दूंगी? द आंसर इज नो. मैं अब उस जो बंदा मुझे कह रहा है कि 10 लाख पेन दे दो, तो मैं इन्वेस्ट भी तो कर रही हूँ ना, पहले मैं उसकी औकात, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस, उसकी उसका स्टेटस, उस वो कैसा था, उसका थोड़ी इंक्वायरी करूंगी, वो कहाँ है, एग्जिस्ट करता है भी नहीं करता, क्या है. आई विल गोइंग टू चेक ऑल द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द इम्पोर्टर. मैं उससे, अच्छा एक बात बताओ, लास्ट क्लास में मैंने कहा था, मैं उसे कहूँगा ठीक है तू ना ऐसा कर, मुझे 20 लाख पहुँचा दे, 20 लाख रुपये पहुँचा दे एज एन एडवांस, और तेरा मोटा मोटी 1.5 करोड़ का सामान है, तो मुझे 20-30 लाख रुपये एज एडवांस पहुँचा दे, और मान्य मैंने बना दी, नहीं नहीं तू ऐसा कर पूरी पेमेंट कर दे, वो करेगा नहीं? वो क्या करेगा, पहले तो मुझे माल दे दे, मैं तब कर दूंगा. मैं कहूंगा नहीं, तू पहले मुझे पैसे दे, मैं माल पहुंचाऊंगी. तो अब हम दोनों के, करेक्ट, हम दोनों के मन में क्या है, धक धक के, वो नहीं करेगा, वो नहीं करेगा. नाउ आई विल आस्क हिम टू गिव मी अ लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट. वो लेटर ऑफ क्रेडिट कौन करता है? Issued by वो importer bank. Correct. Issued by importer bank. Importer का, अक्षत का bank issue करेगा letter of credit stating that कि नहीं ये अपना export का जितना भी value है वो honor करेगा time पर, जब तुम्हारा bank क्या हो जाएगा, जब तुम जब जब तुम्हारा order यहाँ से निकल जाएगा तो अपना settle कर दे कौन से reach. अब मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट भी मेरे हाथ में, नाउ आई एम ऑन द सेफर साइड. अगर अगर तो मेरे पास आईईसी नहीं है,
इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नहीं है, देन आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर द आईसी कोड. मैं डीजीएफटी के पास जाऊंगी, उसे कहूंगी देख मेरा ये अकाउंट नंबर है, मेरा सारी इंफॉर्मेशन है मेरी बिजनेस की, सारा फाइल करूंगी और मैं आईईसी कोड ले, आईईसी ले लूंगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड ले लूंगी इफ इन केस आई एम नॉट हैविंग आईईसी कोड. अगर मेरे पास है तो मैं मूव ऑन कर जाऊंगी. लेटर ऑफ क्रेडिट आने के बाद में ये भी तो देखूंगी क्या मैं एक्सपोर्ट कर सकती हूँ. जैसे जीएसटी नंबर चाहिए होता है कंपनी के लिए, सीआईएन नंबर चाहिए होता है, हर चीज के लिए हमें ऑथराइज होना पड़ता है. ऐसे ही हमें आईईसी चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड चाहिए कि यस यू आर नाउ ऑथराइज पर्सन टू डू द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया. डन. तो अब मैं आई एम गोइंग टू ऑब्टेन एक्सपोर्ट लाइसेंस आईईसी, दैट इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड. और ये कहां से मिलेगा? डीजीएफटी से. डीजीएफटी से मैं अपना कोड ले लिया. नाउ इफ इन केस आई एम नॉट हैविंग फाइनेंस आई एम गोइंग टू अरेंज दैट. मुझे उसको बनाने के लिए 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ चाहिए भी तो नाउ आई विल ऑब्टेन प्री शिपमेंट. हां 1.5 करोड़ का तो काम ही है. हाँ अरे मान लो 2.5 करोड़ का कंटेनर मिला तो 1.5 करोड़ का तो मुझे भी पड़ेगा. ठीक है. ऑब्टेनिंग प्री शिपमेंट फाइनेंस, फाइनेंस मतलब पैसा. मुझे प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए होगा? पैसा. आई वांट इट्स कंफर्म्ड ऑर्डर एंड आई हैव लेटर ऑफ क्रेडिट इन माय हैंड, देन द एक्सपोर्टर अप्रोचेस बैंक कि प्लीज मुझे कुछ फाइनेंस कर दो. आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय प्रोडक्शन. हाँ मैंने अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी. और अगर मान लो प्रोडक्शन नहीं करनी, मुझे पता है यार मैंने भी प्रोडक्शन नहीं करनी, मैंने इस बंदे से लेके एक्सपोर्ट करना है, आई एम गोइंग टू गवर्नमेंट कहती है जो तुम गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो वो इंडिया को डिपिक्ट कर रही है, प्रेजेंट कर रही है, तो हम ये इंश्योर करेंगे कि जो तुम गुड्स दे रहे हो वो अच्छी क्वालिटी को, वो गंदी क्वालिटी के ना हो. क्योंकि अगर तुम बैड क्वालिटी एक्सपोर्ट करोगे तो नाम तो मेड इन इंडिया हमारा ही खराब होगा ना. तो इन दिस इंस्पेक्शन, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, गवर्नमेंट के इंस्पेक्टर्स आते हैं एंड क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग वहां आते हैं. ऑथराइज करता है कुछ एजेंसीज को कि तुम लोग इंस्पेक्शन करने जाओगे और देखोगे शिपमेंट होने से पहले, इनको शिपमेंट मतलब लोड होने से पहले इनकी पहले क्वालिटी, सिर्फ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स को ही हम शिपमेंट करेंगे. नाउ नेक्स्ट वन इज एक्साइज क्लियरेंस. एक्साइज क्लियरेंस का मतलब क्या होता है? जब हम मैन्युफैक्चरिंग ना, अच्छा ये वाला पॉइंट ना तुम्हारे उसमें दिया हुआ है किसमें? बुक में. बट अभी मैं कहूंगी एक्साइज क्लियरेंस होता नहीं अभी एट प्रेजेंट, क्योंकि पहले ना मैन्युफैक्चरिंग में ना एक्साइज ड्यूटी लगती थी, अब तो लगती नहीं है. और वो एक्साइज ड्यूटी ना अगर तुम एक्सपोर्ट करते थे पहले की बात पहले तो एग्जेम्प्ट हो जाती थी. तो अब ये पॉइंट सिर्फ थियोरिटिकल रह गया है, एज पर मी प्रैक्टिकल नहीं है. चलो फिर भी एज वी हैव टू अपीयर फॉर द एग्जाम्स तो दैट्स व्हाई टीचिंग. वैसे न्यू एनसीईआरटी में क्यू दिया हुआ है एक बार फिर भी क्रॉस चेक कर लेना. एज पर मी एक्साइज क्लियरेंस नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक्साइज ड्यूटी जो होती थी ना वो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पे लगती थी. तो वो ये देखता था, एक्साइज कमिश्नर आता था उसका और वो देखता था तुम ना सैटिस्फाइड है या नहीं है और तभी वो एग्जेम्प्शन मिलती थी. इन मेनी केसेस द गवर्नमेंट एक्सटेंड द पेमेंट ऑफ द एक्साइज ड्यूटी और लेटर इट रिफंडेड. तो वो मैन्युफैक्चरर देखता था कि भाई तुम आ जाओ एक्साइज कमीशन, तुम आ जाओ देख लो मैंने मैन्युफैक्चरिंग कर रखी है और ठप्पा लगा जाओ. तो जब मैं क्योंकि मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो मुझे ये रिफंड कर देना एक्साइज ड्यूटी. तो अब जब एक्साइज एक्ट रहा ही एक्साइज ड्यूटी पे करते ही मैन्युफैक्चरिंग पे तो ये पॉइंट थोड़ा क्वेश्चन मार्क वाला है. देन समझ आया? नेक्स्ट, अब मैंने प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन कर ली, क्वालिटी गुड कर लिया, सब कुछ कर लिया. नाउ आई एम गोइंग टू ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन. व्हाट डू नाउ उसमें लिखो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन. सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन. डॉक्यूमेंट्स में लिखो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन. हमें ना ऑब्टेन करना पड़ता है सम इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टिंग कंट्रीज है वो प्रोवाइड करती है
कि अगर तुम इस कंट्री से लोगे ना तो तुम हम तुम्हें कंसेशन दे देंगे। तो इम्पोर्टर ना एक्सपोर्टर को कहता है यार मुझे ना सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी डाल दियो ताकि मैं अपनी कंट्री में मार्क कर सकूं। ये तो हो गया थ्योरेटिकल, मैं तुम्हें प्रैक्टिकल भी बताती हूं। पहले सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लिखो, बोलो इट स्पेसिफाई द कंट्री इन विच द गुड्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। इट स्पेसिफाई द कंट्री दिस सर्टिफिकेट स्पेसिफाई द कंट्री इन विच गुड्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। डन। अब मेरी बात समझने की कोशिश करो, जो वो शिप चल रहा है इंडिया से, मान लो एक हाइपोथेटिकल केस समझा रही हूँ, प्लीज कोई ज्योग्राफी की और ड्राइंग की वो मत करना, मान लो ये वो है इंडिया है, इंडिया। और इंडिया से यहाँ से शिप बन के चले, तो शिप में सिर्फ वो एक कंटेनर तो डोलता हुआ जाएगा। हाँ, इंडिया के मुंबई में से बहुत वेरी गुड आर्टिस्ट मैं पढ़ा लू, मैंने शिप में, हो सकता है जो ये शिप है ये यहाँ से चल के शायद हो सकता है यहाँ रशिया में भी रुकती हूँ। मैम रशिया उधर है। अरे यार मैंने कहा था ना चुपचाप सुन लो। और जरूर नोएडा मुंबई से निकल रहा हूँ, गुजरात पाकिस्तान है, ठीक है तो अरे पाकिस्तान अफगानिस्तान यहाँ मैंने छोड़ दिए, तो यहाँ से भी रुकती हूँ इंडिया के अंदर। मैंने कहा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मत पढ़ो, उसे कहीं और कंट्री से भी 40-50 कंटेनर लेने हो, और फिर वो होता हुआ अमेरिका के डॉक पे पहुंचता हूँ। अमेरिका का है ना तू, मैंने अपने इंडिया से चला के अमेरिका पहुंचाने हैं ना, मैं नहीं पढ़ा रही। मैंने सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ले लिया ये दिखा दिया। मैंने पहले ही कहा था कि ड्राइंग मत करो, कॉन्सेप्ट समझ लो। पक्का अब मेरी प्यारी बनाई है, मैं तो आपको अप्रिशिएट कर रही हूं। मुंबई आप मेरे को पता नहीं है, मुंबई रिकॉर्ड हो रही है वरना सुनो, अब उसे बहुत सारी कंट्रीज होते और मान ले अमेरिका ने बैन कर रखा है कि इंडिया से तो सामान आएगा ही नहीं, तो वो मांगता है कि ये कंटेनर किस कंट्री से है। या अब हम पॉजिटिव वे में चलते हैं कि अमेरिका ने कह रखा है अगर तुम इस कंट्री से एक्सपोर्ट कराओगे तो मैं उन कंपनियों को कुछ कंसेशन दे दूंगा, कुछ टैरिफ दे दूंगा, तो वो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन दिखाना पड़ता है कि ये सामान इस पर्टिकुलर कंट्री से आया है, तो वो मैं बनवाऊंगी ना, आई विल गोइंग टू ऑब्टेन दैट प्री शिप सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन और मैं अक्षत को दूंगी कि भाई ये ले तेरा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। समझ आया? क्योंकि मेरा प्रोडक्शन हो चुका है ना, अब मैं पेपर वर्क करूंगी ना, किस शिप में जाएगा, कहाँ जाएगा, किस डॉक से लोड होगा, गुजरात से होगा, मुंबई से होगा, या ड्राई पोर्ट से होगा, कहाँ से होगा। डन। तो आई एम गोइंग टू ऑब्टेन द सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन वंस माय इंस्पेक्शन इज ओवर, कि मेरी इंस्पेक्शन हो चुकी है, हाई गुड्स गुड क्वालिटी के हैं, नाउ आई एम गोइंग टू ऑब्टेन द सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। एंड सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इज अ सर्टिफिकेट जो स्टेट करता है कि ये गुड्स कहाँ के मैन्युफैक्चर्ड हैं। समझ आया? सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लेने के बाद, मैंने सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ले लिया, नाउ आई एम गोइंग टू रिजर्व माय स्पेस इन द शिप, मुझे शिप में अपनी जगह रिजर्व करनी होगी कि मेरा 20 फुट का कंटेनर है, मेरा 40 फुट का कंटेनर है, कहाँ है, कितना वेट है उसके अंदर। कभी कभार 40 फुट के कंटेनर में वेट कम होता है स्पेस, आई हैव टू बुक माई स्पेस। जैसे शिप है, अब मान लो शिप के अंदर कितने सारे कंटेनर रखे होते हैं, किसी का वेट कुछ होता है, किसी का वेट कुछ होता है, तो उनको वेट बताना पड़ता है कि इस कंटेनर में कहीं होता है ना सामान तो फैली हुई जगह है बट वेट कम है, और कहीं होता है सामान थोड़ा ले रहे हैं, वो जगह थोड़ा ले रहे हैं बट वेट ज्यादा है, तो आई हैव टू रिजर्व माई स्पेस इन द शिप कि यार मैं प्रोबेबिलिटी इस डेट पे इस शिपमेंट पे ये कंपनी चलेगी और मैं मेरा प्रोडक्शन रेडी है तो इतने दिनों बाद चलाना है। प्रैक्टिकली ये तो थियोरेटिकल हो गया, प्रैक्टिकली बता रही हूँ, जब मेरी प्रोडक्शन अबाउट टू ओवर होती है ना, उससे ही पहले, इंस्पेक्शन से भी पहले मैं
शिप मैं अपनी जगह रिजर्व करके रखती हूँ, क्योंकि मुझे प्री प्लान होता है ना कि हाँ 10 दिन बाद मेरी प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगी, इस दिन मेरा इंस्पेक्शन है, तो मुझे ऑलमोस्ट 20 दिन बाद ऐसे शिप चाहिए जो चल सके. तो आई विल गोइंग टू रिजर्व दैट स्पेस अकॉर्डिंग टू माई डेट वेट, कि मेरी इतनी डेट को प्रोडक्शन पूरी होगी. तो रिजर्वेशन ऑफ शिपिंग स्पेस मीन्स द एक्सपोर्टिंग फर्म एम्प्लाइज अप्लाई करती है टू द शिपिंग कंपनी फॉर द प्रोविजन ऑफ द शिपिंग स्पेस. इट हैज टू स्पेसिफाई कि मेरे ये टाइप के गुड्स हैं, प्रोबेबली ये डेट को चाहिए और यहाँ पहुँचने हैं और इतना वेट होगा. और जब वो शिपिंग कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है एप्लीकेशन, तो वो उसे शिपिंग कंपनी इशूज अ शिपिंग ऑर्डर. वो उसे क्या देती है? इशू अ शिपिंग ऑर्डर. वो शिपिंग ऑर्डर दे देती है कि भाई हाँ ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, तू इस दिन मुझे अपना सामान पहुंचा दियो. कंटेनर तो तेरे घर में आएगा नहीं, तुझे अपना सारा सामान मेरे पोर्ट पे, मेरे डॉक पे पहुंचाना है, मैं वो अपने कंटेनर में लोड कर लूंगा. समझ आया? नाउ आफ्टर गेटिंग द शिपिंग ऑर्डर, नाउ आई एम गोइंग टू डू द पैकिंग. आई एम गोइंग टू डू द पैकिंग. तो ये यहाँ पर शिपिंग ऑर्डर स्पेस करने के बाद ना, ये पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग इज नॉट एज सिंपल एज वी आर सेइंग कि नॉर्मल पैक कर लिया और फॉरवर्ड कर दिया. नहीं नहीं प्रॉपर उनके नहीं, जो कंटेनर्स की पहले तो हमें पता है गाड़ीज पे कितनी एक्सपोर्ट ड्यूटी है, और इन सम ऑन सम कार्स इट्स 200% है, 100% है, वो नहीं पर कोई भी होती है. और वो भांति नहीं है जो उनके जो वैसे माला कंटेनर्स के जो दो शेल्फ होते हैं ना, उनके टायर ऐसे होते हैं कि वो ऐसे जाके वो फिक्स हो जाते हैं. तो दे विल नॉट वो एक इलेक्ट्रॉनिक होता है उनकी, जो टायर जिस जगह पे जाके फिक्स होंगे वो क्लच हो जाते हैं. हाँ कंटेनर की बात कर रहे हैं, उसका स्पेशल कंटेनर के अंदर ना वो आती है फिटिंग. कंटेनर नॉर्मल होता है, कंटेनर का ग्राउंड मिल्क सिस्टम होता है फिटिंग वैसे ही कंटेनर ही. चलो नाउ पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग, व्हाट डू यू मीन बाय पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग? पैक करके भेज देना. वाओ ये तो दिखता है. पैक करके भेज देना. अब कंपनी में आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया, उसे आप पैक अच्छे से करोगे? मैं पैक करूंगी, मैं उसे प्रॉपर तरीके से जो मेरी वो नहीं था कि डिटेल्स क्या होगी पैकिंग पे पूरा, जैसे ना पैकिंग पे वो आता है ना कार्गो, मतलब कंटेनर नंबर वगैरह.